नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। तीसरी थाना के पालमो भुराई में माइका खदान में चाल धंसने से एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद तीसरी थाना प्रभारी, सीओ व फॉरेस्ट के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार की सुबह भुराई निवासी यादव की 14 वर्षीय पुत्री कविता कुमारी माइका चुनने खदान में गई थी, जहां अचानक मिट्टी दब गया। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण व मुखिया प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी को किसी तरह बाहर निकाले और इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसे बेहतर चिकित्सा के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताते चले कि गिरिडीह पहुंचने के दौरान किशोरी की मृत्यु हो गई। मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने बताया कि किशोरी की मौत की सूचना मिलने के बाद वे लोग जांच के लिए पहुंचे हैं। आगे परिजनों के आवेदन अनुसार वह जांच कर कार्यवाही की जाएगी। सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर कोई बच्ची का जो है वो दबने से चोटी हुई थी और तीसरी अस्पताल में गया था, उसके बाद उसको रेफर किया गया था। सूचना प्राप्त होने के बाद जो हम लोग यहाँ पे घटनास्थल पर आए थे, अभी तो हम लोगों को पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो भी उसका आवेदन होगा उसको अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत जो भी होगा। तो यहाँ पे बच्ची क्यों आई थी सर, कुछ आपको पता चल पाया? बच्ची क्यों आई होगी, देखिए ढिबरा का खादान है, ढिबरा चुन नहीं आई होगी। यस, जैसा उम्मीद लगाया जा रहा है, पब्लिक लोग बोल रहा है,